अच्छा तो फिर अब आप कह देंगे कि ये गोल्ड का है? हाँ बिल्कुल, वो प्योर गोल्ड का है। ये तुम 30,000 वॉन में ले सकते हो। अच्छा, प्योर गोल्ड की कीमत सिर्फ 30,000 वॉन? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? वो कोई मामूली गोल्ड स्पून नहीं है। जरा इसे देखो, देखो तो सही। ये वो गोल्ड स्पून है जो तुम्हें रईस बना सकता है। सॉरी, अगर बदले में अपने पेरेंट्स देने को राजी हो तो ये बिल्कुल मुमकिन है। बदले में अपने पेरेंट्स? अब तुम अपनी उम्र के किसी को ढूंढो और उसके घर जाकर इस स्पून से 3 बार खाना खाओ, फिर तुम्हारी आत्मा एक्सचेंज हो जाएगी और उनके पेरेंट्स तुम्हारे हो जाएंगे। आप चाहती हैं मैं इस पर यकीन करूं? अगर ये बात सच भी होती ना तो भी अपने पेरेंट्स का सौदा कौन करता? सही वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा बेटा। बोलो क्या ख्याल है, तुम अमीर नहीं बनना चाहते? तो गाइस, आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग डिज्नी प्लस की फैंटेसी ड्रामा द गोल्डन स्पून को हिंदी डब में देखने के लिए बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सभी को इस सीरीज का एक्सक्लूसिव हिंदी डब अपडेट दिया था, जहां बताया था कि आपको ये सीरीज बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। तो आखिरकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने इसकी हिंदी क्लिप को रिलीज कर दिया है। जी हां गाइस, जिसका मतलब है कि आपको अब ज्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा इस सीरीज को हिंदी में देखने के लिए। और अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक आपको ये कोरियन ड्रामा है वो 10 फरवरी तक देखने को मिल जाएगी हिंदी। एंड बाय चांस अगर कोई डिले वगैरह होती है तो फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन कंफर्म है कि आपको इसी महीने देखने को मिल जाएगी। तो अब चलिए जानते हैं इस सीरीज के बारे में। तो गाइस, ये एक एमबीसी की ओरिजिनल फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जो बेस्ड है इसी नाम के वेबटून पर, जिसकी सीजन 1 में आप सभी को टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेगी। और इसके अलावा इस सीरीज को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। और अभी MDL पर इस सीरीज को रेटिंग मिली है 8.1 out of 10 और IMDb पर 7.6 out of 10। और इसी के साथ इस सीरीज की कहानी मेन तौर पर फोकस करती है ली संग सियोन नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट के बारे में, जो एक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता है और इस गरीबी से वो काफी परेशान होता है और इससे वो निकलना चाहता है। लेकिन एक दिन उसे एक गोल्डन स्पून मिलता है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती है। तो इसी के बारे में आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी। तो अगर आप फैंटेसी ड्रामा टाइप की कोरियन सीरीज देखना पसंद करते हैं तो आप इस सीरीज के लिए वेट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे पास बस इतना ही अपडेट है। चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।